इसको करने में कितना समय लगा। हम योग के नाम पर बहुत चर्चाएं करते हैं मगर करते नहीं हैं। योग दिवस वास्तव में हमें पुनरावृत्ति के लिए नई जागरूकता देता है और पूरा विश्व योग दिवस पर अपनी क्रियाकलापों को आगे बढ़ाता है। योग देखा जाए तो वास्तव में हमारे शरीर को मन से जोड़ता है और साथ ही साथ हमारे शरीर की बहुत सी व्याधियों को घटाता भी है, कम करता है। एक ऐसा गणित जो प्लस और माइनस से इस जीवन को बहुत सुंदर बनाता है। योग एक दूसरे रूप में भी देखा जाए तो ये एक्शन, डेडिकेशन और नॉलेज, इन तीनों को मजबूती से बल देता है। अगर योग को अच्छी तरह से हम पालन करें, प्रतिदिन करने की कोशिश करें और लोगों को जागरूक करें तो ये तीन चीज़ों से हम बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं। हमारे पुराण ग्रंथ बहुत कुछ योग के बारे में बता रहे हैं और ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको अगर आप पढ़ लें तो आपका अपना मन तो इतना अच्छा स्वस्थ हो जाएगा और जब मन स्वस्थ होगा तो आपका सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका, आपका हर तरह का एक नई सुंदर तरीका का कार्य दिखाई देगा लोगों को। और जो है योग का एक कारण, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो हर साल नई नई जगह पर जाकर इस योग को प्रचार और प्रसार और उसकी वास्तविक रूपरेखा जो विश्व में लोगों को दे रहे हैं, मानवता को एक अच्छे से जोड़ रहे हैं, वास्तव में वो वंदनीय हैं, उनको हम सब नमन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भारत देश को आगे बढ़ाकर एक आत्मनिर्भर और स्वदेशी भारत की मजबूती का योगदान और मजबूती का एक साथ देकर आगे इस देश को बढ़ाएं। यही सबसे बड़ी हमारी आपकी देश के प्रति प्यार और सेवा है। जय हिंद, जय मां भारती। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।